ये छतरी लेकर कहाँ जा रही है तू इतनी रात को? और कहाँ जाएगी, पिछले हफ्ते की तरह उस सफेद बिल्ली को घर के अंदर लाने जा रही होगी। ओ बिल्ली, अच्छा। इतनी बारिश में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर जाके सो जाओ। जा बेटा, तुम सो जाओ, उस बिल्ली को मैं देख लेता हूँ। पापा मर गए, पापा ने रोहन को देख लिया तो नहीं कहां चली गई है। मैं किट्टू को क्या बोलूं, बेकार में परेशान हो जाएगी बेचारी। तो पकड़ लिया उसे। क्या उब, मुझे देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी उसे जाने देता। पूंछ पकड़ के उठा लिया। पूंछ? हाँ, उसे मैंने झूले के नीचे सूखे में लटा दिया है, सो जाएगी वहां पे। कौन, बिल्ली? हाँ, क्यों? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। तो अब तुम ही सो जा, हैं? गुड नाइट, अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। पूछ से पकड़ा। स्कूटर से नहीं जा रहे हो क्या? नहीं, बस ठीक है। तुम इतना अकड़ती क्यों हमेशा? हाँ, अरे बस में जाने से क्या अकड़, तुम्हें कोई फर्क भी पड़ता है क्या? कल पूरी रात रोहन पानी में भीग रहा था और उसके बाद क्या? हाँ, क्या हुआ रोहन को? वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? हाँ। कौन सी हॉस्पिटल? जल्दी बोला चिकू। मुझे याद नहीं। हाँ, लेकिन एम्बुलेंस में मेरा नाम तो पड़ा था। एम्बुलेंस? हाँ। मैं तुझे ये क्यों बताऊं कि के हॉस्पिटल है? के हॉस्पिटल? अब जाने का क्या फायदा, तुम्हें जो करा था वो तो कर लिया। हेलो। हाँ किट्टू, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या रोहन, कैसे? वाह, बारिश में कौन से फूल, गुलाब के? बेचारा रोहन, लेकिन बारिश में गुलाब के फूल, हाउ रोमांटिक। रोहन कपूर, रूम नंबर 14। थैंक यू। विकी, रोहन कैसा है? अभी कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रोहन ऐसी बेवकूफी कर सकता है, वो भी एक लड़की के लिए। लगता है इस लड़की के सीने में दिल नहीं, पत्थर है। ना ऐसा सलूक करती वो रोहन के साथ। वैसे रोहन तो उससे भी ज्यादा बदतर है यार, और ऐसा घटिया ड्रामा नहीं करता उसका दिल दुखाने के लिए। ड्रामा? हे विकी, रोहन का नाम मत ले, ये तो तेरा आइडिया था ना। Such? You love me?
I just hate you. How cute, हाँ, हाँ, oh my god, और फिर तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि I love you, stupid. Oh god, this is so romantic. हाँ, अरे और फिर stupid ने क्या कहा? Sorry, रोहन ने क्या कहा? बताओ ना कि तू. Okay fine, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ के और सुनो, मुझे पूरी report detail में चाहिए. सिर्फ हेडलाइन से काम नहीं चलेगा, ओके? बाय सिया. आज मेरा भी कोई होता तो मैं भी कहती आई लव यू स्टूपिड. तन्मय really don't believe this. Oh. Mind blowing. Shivani, तुम हमेशा जल्दी में क्यों रहती हो? Don't worry, जोगी सर, मुझे फिसलना अच्छा लगता है. आपने कहीं तन्मय को देखा है? तन्मय चंद्रा, वो तो जम्मू गया हुआ है ना? हाँ, but I think he's back. शायद कैंटीन में होगा. किसी पर भी फिसल जाती है. मिस्टर जोगी, आप भी फिसलने का कोई फायदा भी तो हो. क्या हुआ? मैं नयनतारा की बात कर रही हूँ. क्यों? उसे क्या हुआ? बेचारी कल से इतनी अपसेट है और आपके पास उसके लिए टाइम ही नहीं. क्या हुआ उसे? मिस कात्यायनी पुरोहित कल पूरी स्टाफ के सामने उसकी इंसल्ट कर दी थी. दो टके की ट्रेनी ने नयन को? That's right. मिस्टर जोगी, मुझे लगता है कि वो नयन तारा के बहाने आपको इंसल्ट करना चाहती थी और अगर उसे अभी भी सबक नहीं सिखाया गया तो. कहाँ है वो? कौन? मिस कात्यायनी पुरोहित. सुना है महारानी आज देर से पधारेंगी. आने दो. ओहो नयन, मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, फिर क्यों अपसेट होती हो? एंड देयर जी, वो मैंने शिवानी को इन्फॉर्म किया था कि मैं लेट आऊंगी. माइंड ब्लोइंग. देखो, अगर तुम यहाँ न भी आती तो आई डोंट केयर, पर अगर तुम यहाँ की मालकिन बनने की कोशिश करोगी देन यू आर इन अ बिग ट्रबल यंग लेडी. क्या मतलब है आपका? बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे डराने की कोशिश मत करना. मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम किसी और के काम में इंटरफेयर करो. एटलीस्ट नयन तारा के कामों में तो. इज दैट क्लियर? हाथ छोड़िए. आपके मुंह से शराब की बू आ रही है, हाथ छोड़िए. सॉरी कि मैंने नयन तारा जी की मदद करने की कोशिश की. मैंने सोचा था कि अगर हमारी न्यूज रीडर की भाषा में गलती होगी तो हमारे न्यूज चैनल की बदनामी हो सकती है. आप चाहे तो मुझे फिर से डांट सकते हैं, लेकिन मैं चुपचाप किसी को गलती करते हुए नहीं देख सकती, समझे आप? रोगी,
इस वक्त यहाँ? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि लंच के बाद आप मेरे कैबिन में आके मुझसे मिले। मजा आ गया किटू, जोगी का तो आज बैंड बजाएगा। वैसे तुम्हारा रोहन भी कुछ कम नहीं है। By the way, I really like his style. हुआ! वैसे स्टाइल तो हमारा भी कुछ कम नहीं है पार्टनर, लेकिन अफसोस अभी हमें जाना है, इसलिए बाय बाय टाटा शब्बा खैर नहीं, अभी रात तो हुई नहीं है, तो इसलिए जस्ट गुड बाय बाय बाय। लेकिन तुम अभी अभी तो आए हो। आने और जाने को ही तो लाइफ कहते हैं पार्टनर। अभी एक बात बताओ, जो जाएगा नहीं वो वापस कैसे आए, है ना? बोलो 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 बोलो। By the way, this is Kitu. और बंदे को कहते हैं दीवानों का दीवाना, NNN का रिपोर्टर मस्ताना। मैं जाता हूँ कभी यहाँ से वहां तो कभी वहां से यहाँ, खबरों की तलाश में, कभी ट्रेन में तो कभी आकाश में, कभी दिल्ली का चांदनी चौक तो कभी मुंबई का बांद्रा। वैसे बंदे को कहते हैं तन्मय चंद्रा। हेलो। हाय। लेकिन अफसोस अभी मुझे जाना है, और इस दुनिया का एक भी हवाई जहाज ना मेरे लिए इंतजार नहीं करता, इसलिए अभी चलता हूँ और फिर लौट कर आता हूँ। तो बाय बाय, बाय शिवानी, बाय किटू। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि काम के वक्त शराब पीना इज, और तुम्हें कितनी वार्निंग्स देनी पड़ेगी। तो मैंने रात को पी थी, लेकिन दिन में यहां नहीं। ओके, कैन आई गो नाउ? यस यू कैन गो नाउ, लेकिन याद रहे ये मत समझना कि यहां मेरी गैर हाजिरी में क्या क्या होता है मुझे पता नहीं चलता। मैं तुम्हें इसीलिए बर्दाश्त करता हूं क्योंकि हमारे चैनल के प्रमोटर्स तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मगर हर चीज की लिमिट होती है, ये मत भूलना। देखने वाले सब समझते हैं कोई अंधा तो नहीं, जिसकी याद में खोई हो कहीं तन्मय चंद्रा तो नहीं। बहुत क्यूट है ना? काफी दिन तक चला हमारा, फिर ठंडा पड़ गया। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर किसी के साथ सेटल होना होता तो शायद तन्मय के साथ ही, ये शायद नहीं, पता नहीं। अच्छा चलो पता करते हैं। बताओ कि ढाबे का खाना या पड़ोसन का ताना? क्या क्या क्या? ढाबे का खाना या पड़ोसन का ताना? पड़ोसन का ताना? ताना, ताना यानी टी, टी यानी तन्मय ही होगा तुम्हारा लाइफ पार्टनर। वाओ, लाइफ पार्टनर। किटू, यू आर सो स्वीट। पता है दादी अम्मा छुट्टी से वापस आ गई हैं। दादी माँ? उसका नाम रोली है। हर छोटे बड़े प्रॉब्लम का सलूशन होता है रोली के पास, जैसे दादी माँ के नुस्खे। गेस व्हाट? व्हाट? बाल लंबे करने के लिए स्पेशली एक हेयर ऑयल लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये बात और है कि सबको उसके नुस्खे पसंद नहीं आते। Guess what? लेकिन उसे लगता है वो नहीं होती तो किसी का भला नहीं होता। तुम्हारे लिए। For me? Yes. But I'll tell you later, huh? Bye. Bye. क्या घड़ी घड़ी झूठ बोलते रहते हो तुम? ऐसे कर दी दबा दूंगी। हाँ, कुछ लोग हैं जिसे रोली के नुस्खों की सख्त जरूरत है। बाप रे। हाय।
में आ गई। पता है तुम्हारे लिए स्पेशली एक देसी दवा लाई हूँ, बाद में बताऊंगी। ओके देखा किटू। हाय मैं हूँ किटू, मैं यहाँ एक ट्रेनी हूँ। ट्रेनी? पता है यही तो एक चीज है जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ट्रेनी से प्रमोट होके आगे बढ़ने का। तभी तो सब लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं वही की वही रह जाती हूँ। पता है किटू तुम भी एक दिन मुझसे बहुत आगे निकल जाओगी और मैं यही रह जाऊंगी। Come on guys, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या हुआ? ब्रेकिंग न्यूज है, आतंकवादियों ने धौलपुरा में हमला कर दिया है। बहुत से बेगुनाह लोगों की जाने गए हैं, औरतें बच्चे। Come on, move fast. जोगी come on, अपनी टीम से कहो जल्दी करे। ओके ओके सर। ए, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है? कम ऑन मूव, आई वांट एक्शन। मुंह क्या देख रहे हो? मैं कह रहा हूं मूव। आराम से, हम ढोलपुरा नहीं जा रहे हैं, यहीं एंकर की शूटिंग करनी है। और तू घबरा क्यों रहा है? रिलैक्स। कम ऑन गेट मी द टेप्स फास्ट। व्हाट? ओह माय गॉड। क्या हुआ? आतंकवादियों के हमले में हमारे एक रिपोर्टर तन्मय चंद्रा को गोली लगी है। What? Oh God. शिवानी, तो वहाँ आने और जाने को ही तो लाइफ कहते हैं पार्टनर। अब एक बात बताओ, जो जाएगा नहीं वो वापस कैसे आएगा? मुझे तो लगता था कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इस दुनिया में कुछ भी अचानक हो सकता है। कितनी भयानक है ये दुनिया।